इस निस्बत के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला ने गुलिस्तान के अंदर बयान की है। कहने लगे मैं एक मर्तबा अपना वाकया सुनाते हैं। कहने लगे मैं एक मर्तबा ना वॉशरूम गया, उस जमाने में कच्चे हमाम हुआ करते थे, वॉशरूम पब्लिक टॉयलेट हुआ करते थे। कहने लगे मैं एक मर्तबा ना पब्लिक वॉशरूम गया, वहां पर ढेले पड़े हुए थे जिनसे लोग इस्तिंजा करते थे, आम मिट्टी के ढेले वहां रखे गए थे। कहने लगे मैंने जब इस्तिंजा कर लिया तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि ढेले के अंदर से खुशबू आ रही है, जो मेरे हाथ में एक ढेला था तो मुझे उससे खुशबू आई। तो अब शायर है उसको जरा अपना तखयल में ले गए। कहने लगे कि मैंने ढेले से पूछा कि तुम तो यहाँ वॉशरूम में पड़े हो, ये बदबूदार जगह है, बंदे यहाँ कजाए हाजत के लिए आते हैं, अपना इस्तिंजा करने के लिए आते हैं, बड़ा वॉशरूम करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के ढेले से खुशबू आना ये अजीब बात है। कहने लगे वो ढेला मुझसे मुखातिब हुआ तो कहने लगा बगुख्ता मन की लेना चीज मुदम बलेकिन मुद्दते बाकव नशिस्तम जमाले हम नशी कर मन असर कर बगरना मन हम आखाकम के हस्तम। कहने लगा ढेला मुझसे मुखातब होकर कहने लगा मैं नाचीज ढेला हूँ, कच्ची मिट्टी मेरी औकात है, मैं वॉशरूम में पड़ा हूँ, ये गंदी जगह है, आंधी तो मुझसे बदबू चाहिए लेकिन मेरी निस्बत कुछ दिन फूल के साथ रहती है। मेरे अंदर से फूल पैदा हो गया था, मेरी उसके साथ निस्बत और ताल्लुक हो गया, मुझे उस निस्बत की वजह से उसने भी अपनी खुशबू में रंग दिया। आप मुझे बताइए ईमान वाले से मुस्तफा करीम की खुशबू आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? यहाँ गली से कोई गुजरे पता चले ये मुस्तफा भी जा रहा है। मक्का शरीफ में एक मर्तबा अबू जहल कचहरी लगाया करता था, चौधरी था ना अपने इलाके का बड़ा चौधरी, उसके पास कुछ ताजर बैठे थे, डील हो रही है, शामी ताजर थे, डील हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। तो आप में से अक्सर लोग कारोबार से ताल्लुक रखते हैं या शहरदारी, तो आपको पता है जब बहस मुबासा तिजारत की बात हो रही हो किसी किस्म की इंटरप्शन या अंदर से कोई बात करे वो बड़ी बुरी लगती है। कारोबार की बात तय हो रही है, सौदा हो रहा है अबू जहल के साथ ताजर का, दरवाजा खुला हुआ था बैठक का, तो गली में से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद गुजरे, सिर्फ गुजरे, यूं गुजरे और गुजर गए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद गुजरे, अब वो जो ताजर बैठा था ना अबू जहल से बातचीत कर रहा था, अचानक बोला चुप करो अपने सौदे की बात बंद करो, बताओ ये कौन गुजरा? अबू जहल ने कहा यार मैं हैरान हूँ, हम बात कर रहे हैं इतने बड़े डील की, एक काफले की, पूरी तिजारत की, ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये बजा है छोटे कद वाला आदमी, ये बजा है पूरा सुना कद है, पुराने से कपड़े है, पक्का सा रंग है, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के बारे में आता है, पक्का सा रंग है, पूरा सा कद है, इसके अंदर तुमने क्या देख लिया? वो कहने लगा मुझे बताओ तो सही ये है कौन? अबू जहल कहने लगा यहाँ अभी अभी नबूवत के दावेदार जो मोहम्मद है ये उनका पैरोकार है। कहने लगा ये आम आदमी नहीं, ये बड़ा खास आदमी है। आप मुझे बताइए दिल में हाथ रख के हम में से वो खुशबू आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? वो खुशबू तब आएगी जब मुस्तफा करीम की इताअत और फरमा बरदारी और आपकी हर हर सुन्नत को हम अपने ऊपर लागू करें। हम ये दावेदार हैं, हम अलग ऐलान कहते हैं कि हम मोहब्बत रसूल में जान भी कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या हुजूर की बताई हुई सुन्नतों पे अमल नहीं कर सकते?